Namaste. Welcome to Sujata's vlog. If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe, which is free. You have to subscribe only once by clipping my picture, which will come at the end of the video. आज मैं आपको फिश करी बताऊंगी। ये थोड़ा सा तीखा रहेगा और खट्टा भी रहेगा। ये करी मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट बनाती है, मैंने उनसे ही सीखा है। मैं अभी आपको भी बता रही हूँ। इसके लिए जो भी आइटम्स चाहिए वो सब मैंने अभी वीडियो में डाली हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपने वीडियो में जब मैं ये रेसिपी बताऊँगी वो दिखाते जाऊँगी। इसके लिए पहले हमको एक टीस्पून धनिया लेना है, एक टीस्पून मेथी दाना, तीन टीस्पून खसखस, तीन टीस्पून तिल और एक टीस्पून जीरा और एक बड़ा प्याज काट कर लेना है, और तीन टीस्पून सूखा नारियल लेना है। इसको अभी हम एक पैन में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ड्राई फ्राई करेंगे हम इसको। और ये इतना फ्राई करना है कि वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए और उसमें से अच्छे से खुशबू आए, तब हम इसको फ्राई करके बाजू में रखेंगे। अभी उसी पैन में हम एक टीस्पून ऑयल डाल लेंगे, और ये जो ना अपना प्याज है उसको फ्राई करेंगे। प्याज को हम पिंकिश ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम उसी पैन में ये जो ड्राई खोपरा है, सूखा खोपरा, उसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हम ये जो सब स्पाइसेस है फ्राई किया हुआ, वो सब हम एक मिक्सी जार में लेंगे, जैसे कि ये धनिया और जीरा सब कुछ, और ये सूखा खोपरा और अब प्याज, सबको हम पेस्ट की तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे। वो पेस्ट का कंसिस्टेंसी इस प्रकार होना चाहिए। अभी एक बाउल में हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, और उसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, और 2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, मैंने 1 टेबलस्पून डाली हूँ, और उसको अच्छे से मिक्स करी हूँ। मैंने इसमें अभी और 1 स्पून मिर्ची पाउडर डाली हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा कम तीखा लगा, मेरा मिर्ची पाउडर तीखा भी कम है। और इसमें हम अभी इमली से बनाने वाले हैं फिश करी, तो थोड़ा सा तीखा हमको ज़्यादा डालना पड़ता है। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दही डाली हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करी। अब जो ये पेस्ट है, मैं एक एक फिश के टुकड़े को अच्छे से पूरा 2 साइड में लगा रही हूँ। ये जो फिश के पीसेस है, मैंने इसको हल्दी और नमक लगा के पानी के साथ धो ली थी इसके पहले ही। और ये जो है, ये 500 ग्राम फिश है, इसमें मुझे 9 पीसेस आए हैं। अब हम वो पैन लेंगे जिसमें फिश करी बनाने वाले हैं, उसको उसमें हम 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल को पूरे पैन में फैलाएंगे और उसको गर्म होने देंगे। अभी इसमें हम वो जो फिश है एक एक करके दोनों साइड में 1-1 मिनट फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड्स फ्राई होने के बाद हम इसको बाजू में निकाल लेंगे पैन में से। और अब हम इसी पैन में ये जो बचा हुआ तेल है उसी में थोड़ा और तेल डालकर
फिश करी बना लेंगे। मैंने और 2 टेबलस्पून इसमें तेल डाली हूँ। अब इसमें जीरा डाली हूँ 1/2 टीस्पून, आधा टीस्पून मेथी दाना, 2 कटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाली हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा जो बचा हुआ पेस्ट था जो फिश को लगाई थी वो भी इसमें ऐड कर दी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अभी हम ये जो मसाला का पेस्ट है जो हमने अपने प्याज और दूसरे स्पाइसेस और सूखा नारियल का पेस्ट है वो भी इसमें ऐड करके मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये इतना फ्राई करना है कि बाजू में पूरा तेल ऐसे निकलना चाहिए। उसके बाद अभी 1 टेबलस्पून मैंने मिर्च पाउडर डाली हूँ और 1/2 टीस्पून हल्दी। ये सब मैं ये इस मसाले के लिए डाल रही हूँ, फिश के लिए जो था वो अलग से था। और थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अभी हम इसमें 1 बड़ा लेमन वाला साइज, नींबू का साइज, बड़ा नींबू का साइज का मैंने इमली ली थी और उसको भिगा के 15 मिनट उसमें से मैंने उसका रस निकाली, 1 बाउल रस निकाली थी, उसको अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करूँगी और उसको 1 उबाल आने देंगे। अभी हम इसमें 3 बाउल पानी डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। आंध्रा और तेलंगाना साइड में इमली का रस के साथ फिश करी बनाते हैं, इसलिए हमको इसमें ज़रूर ज़्यादा मिर्ची डालना पड़ता है उसका खट्टापन तोड़ने के लिए। अभी ये जो करी है उसको अच्छा सा उबल आ गया है, उसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर उसको बॉईल करेंगे। अब ये अच्छा सा उबाल आ गया है इसमें, इसके ये उबल आने के लिए हमको ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट लगा। अभी इसमें हम जो फिश फ्राई करके बाजू में रखे थे इसमें आराम से आइस टच डालेंगे। हम इसको स्पून के बजाय वो पैन को ही थोड़ा हिलाते हुए मिक्स करेंगे और उसमें अच्छा उबल आने देंगे। ये इसलिए करी हूँ ताकि वो फिश टूट न जाए, वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा ना इसी वजह से। 2-3 मिनट ये पकने के बाद हम एक स्पून लेके आराम से बहुत ही आहिस्ता से उसको फिश को पलटेंगे, सभी फिश को, और उसको वापस पकने देंगे। ये थोड़ा 4 मिनट पकने के बाद इसको हम ढक लेंगे। ढक कर इसको और 5 से 6 मिनट पकने देंगे। अब हमारा फिश करी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा हिलाएंगे और इसका देखो तेल जो है वो बाजू में अच्छे से निकला हुआ है, इसका मतलब अपना फिश अभी करी रेडी है। इसमें अभी हमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी। अभी हमारा फिश करी रेडी है। ये फिश करी अगर हम दूसरे दिन खाएंगे तो और मज़ेदार रहता है, ये हम चावल के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यम्मी, टैंगी, टेस्टी एंड स्पाइसी फिश करी रेडी।